नमस्कार, मी वैशाली सामंत. सबस्क्राइब करा जनवार्ता न्यूज चॅनलला, बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि लेटेस्ट न्यूज बघा. हॅकिंगपासून कसे वाचावे यासाठी ब्युरो फॉर सायबर क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन अँड रिसर्चचे मनोज ओझवाल यांनी जनवार्ताशी बोलताना दिली. भारताचे बरेच नागरिक स्तब्ध झाले हे ऐकून की फेसबुक आणि केम्ब्रिज ॲनालिटिका नावाच्या कंपनीने निवडणूक परिणाम बदलण्याचे प्रयत्न केले व बहुतेक ते यशस्वीपणे झाले. भारतात असे करणे सहज शक्य आहे. कुठलीही विशेष तंत्रज्ञान न वापरता करणे शक्य आहे. साधारण मोबाईल उपभोक्ता बातमी आणि जाहिरात यामधील फरक समजून येत नाही. आजच्या या फेसबुक ॲडव्हर्टायझिंग सिस्टीमद्वारे बारकोड टार्गेटिंग करता येतं. एका विशिष्ट प्रभाग आणि कॉलनीमध्ये राहणारे, विशिष्ट भाषेचा उपयोग करणारे आणि विशिष्ट आयु असलेले किंवा विशिष्ट गाव किंवा राज्यातील स्थलांतरित झालेल्या लोकांना जाहिरात व खोट्या बातम्या दाखवणे सहज शक्य आहे. हम सबको पता है कि हमारा बहुत जबरदस्त प्रोफाइलिंग हो रहा है. हमारी आदतें, हमारी हमारे प्रेफरेंसेस, हमारी उम्र, हम कहाँ ट्रैवल करते, इन चीज़ों से आपका प्रोफाइलिंग हो पर आपकी बिहेवियर को, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ को बदलने की कोशिश की जा रही है. आपको जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो प्रोडक्ट्स आपको बेचे जा रहे हैं. तो इन कंपनियों से एक कदम आगे कैसे जाए, इस बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा. सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहला उनका सबसे बड़ा हथियार है, जंजीर. उन्होंने एक जंजीर बनाई हुई है. आप जो कुछ भी कर रहे हो उसको वो फॉलो कर रहे हैं. जब तक उस जंजीर को आप नहीं तोड़ोगे, वो आपका प्रोफाइलिंग करेंगे और आपको टारगेटिंग करेंगे. तो उसको रोकने के लिए आपको सबसे पहले इस जंजीर को तोड़ना है. आपको आपकी इंटरनेट सर्फिंग की जो आदतें हैं उसको तोड़ना है. तो उसके लिए तरीका, सबसे पहला आपका जो ब्राउज़र होता है उसमें प्राइवेट मोड करके एक चीज़ होती है. उस मोड में आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्फिंग करें. पर्टिकुलरली जब आप कोई सीरियस काम नहीं कर रहे हो, जब कोई आपको कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहा है, आप केवल जानकारी के लिए ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्राइवेट मोड का उपयोग करें. आपके इंटरनेट का जो IP है वो बदलना चाहिए बार बार. उसके लिए आपके इंटरनेट को कंटिन्यूस ऑन न रखते हुए बीच बीच में उसको डिस्कनेक्ट करें. जब आपके इंटरनेट को आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो IP के बेसिस पे आपको ढूंढ नहीं पाएंगे. तीसरी चीज़ ये है कि आप केवल एक ही ईमेल का हर चीज़ के लिए प्रयोग ना करें. आपके बैंकिंग के लिए, आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके लोगों से कम्युनिकेशन के लिए आप 3-4 ईमेल एड्रेस बनाएं. जहाँ पे आपको अननेसेसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वहाँ पे आप उस तरह के ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करें जो टेम्पररी, जो जिस पे आपका मेन कम्युनिकेशन नहीं है. तो इस वजह से वो आपको ट्रेस करना या ट्रैक करना मुश्किल होगा. चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके जो बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट मेंटेन न करते हुए आप एक बैंक अकाउंट मेंटेन करें आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए और एक बैंक अकाउंट मेंटेन करें आपके ज़्यादा पैसे जहां पर रखे उसके लिए. और जिस अकाउंट में आपके ज़्यादा पैसे हैं उसको कोई भी तरह का इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ये चीज़ें मत लीजिए. आपको जितना ट्रांजैक्शन करना है उतना आप आपके छोटे अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए और उतना उसका इस्तेमाल कीजिए. तो आपकी जो मूल रकम है या आपकी जो मेन सेविंग्स है वो एक जगह सेफ रहेंगे. और क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं है तो उसको ग्रैब करना, उसको हैक करना किसी के लिए मुश्किल जाएगा.